हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत। हो गई है सुबह। देखो ना, चाय तो चढ़ चुकी थी और ये फिर से मेरी चाय फट चुकी है। इसके अब्बू के लिए चढ़ाई थी डायरेक्ट वाली चाय। पता नहीं क्या दूध ख़राब है, टोप गंदा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे ये क्या हो रहा है, सेकंड टाइम भी चढ़ाई फिर ये भी फट गया। अब दूसरा दूध का पैकेट खोली, क्या दूध ख़राब हो गया क्या, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पहले अभी दूध ही गर्म करके लेना पड़ेगा। एक तो दूध शक्कर सबका नुकसान, सवेरे सवेरे बहुत दिमाग ख़राब होता है ऐसे चक्कर में। तो गाइस अब तीसरी बार चाय चढ़ा चुकी हूँ। पहले इसको दूध को अच्छे से गर्म कर लूँगी, उसके बाद ही अब डालूँगी। यहाँ पे जिदान की चाय चढ़ चुकी, मतलब हमारी चाय। देखो पूरा दूध गर्म करी ना, दोनों पैकेट के फट गए, आधे तो फेंकने में चले गए और आधे देखो बहुत परेशान किया सवेरे सवेरे इसने। तो गाइस देखो निकल चुका है धुआं पड़ के। चलो संभाल के जाओ और पेपर जरा अच्छे से ही लिखना, हाई नहीं करना, हाई मारी नहीं करना। अल्लाह हाफिज। उसके चक्कर में देखो ये भी बाहर निकल गया। ए सुनो, चलो अंदर अंदर चलो चलो। सभी से तीन बार पकड़ चुकी इसको बाहर से, चलो अंदर। तो गाइस जिदान तो चला गया, यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी हूँ और इसमें रखी सिर्फ वाइट कपड़े। बाकी कपड़े देखो तीन दिन से पड़े हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से धो नहीं पाई। चालू करती हूँ इसे। चलो ये सब निपटाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फटा वाला दूध पूरा धो धा के निकाल चुकी हूँ। दो पानी से आप देख सकते हैं इसका बनाएंगे रसगुल्ला। तो इसके साथ में मेरी दूसरी भी तैयारी शुरू है। यहाँ पर मैंने दाल भिगो के रखी हूँ और चावल चढ़ा रही हूँ और मशीन में कपड़े मेरे धुल चुके हैं। इसको निकाल के रखती हूँ क्योंकि बर्तन क्लीन कर रही हूँ। ब्लॉगर भैया से बातें कर रहा है, नहाने को तैयार ही नहीं है लड़का, इतना गंदा हो रहा। सवेरे से दो बार पकड़ के लाई हूँ, वो तो नहाऊंगा ही नहीं। डाल उसके आंख पे क्योंकि वो नहाने दे रहा ही नहीं है। देखे नोच रहा, इतना इतना धड़पड़ा रहा है ना ये लड़का, क्यों ऐसा कर रहा है। स्नो मुँह धो ले उसका, पहले मुँह धुला दे उसकी आँख वगैरह अच्छे, ऐसे नाक भी धो ले। गाइस पकड़ लिया इसने इसको, अरे मम्मी मेरी पेशाब की जगह पकड़ ली। तू इसका पकड़ेगा तो वो तो कोई नोचेगा ना। जा रहा है अब्बा के पास, है अब्बा घर पे आज नहीं है ना। अल्लाह अब्बा नहीं है फिर अभी। ए चड्डू कितना खुश होता है कैमरा देख के, अल मेरे दूध पी रहा मैं बच्चे को दूध 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 दूध। जाओ जाओ लाफिज, संभाल के जाओ। बोल रहा है कि 200 रुपये का दूंगा इतना सारा मच्छी। वाह इतना सारा, इतना कम है। 100 का पास दे, बोली तो दे रहा भी नहीं है। 100 का पास देगा तो मैं लूंगी, नहीं तो नहीं। 16 मच्छी मेरे पास है। नहीं नहीं 16 का नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को 5 चाहिए वो भी 100 का। 6 दे देगा तो बहुत मजा आ जाएगा। 4-4 खरीदी? नहीं 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 5 चाहिए। 4-4 खरीदी कसम से बता। अच्छा गांधी नहीं जम रहा तो भाई तू रख दे और बोमिल ले। बोमिल भी इतनी पतली पतली लाया है और 100 का 10 बोल रहा है। ताजा बोमिल लाया था, नहीं ले रहे आप? नहीं चाहिए ऐसा पतला पतला बोमिल, मोटा मोटा रहेगा तो लाके दिखाने मजा आता। तब यही ले लो 200 का निकाल दो। नहीं नहीं मैं 200 का नहीं लूंगी मच्छी, अकेले खाना पड़ता, बच्चे नहीं खाते मेरे मच्छी। नहीं खाते मेरे बच्चे मच्छी भैया जी। नहीं 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 चाहिए मेरे को, बस नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं सुन मत, मैं जा रही हूँ अंदर बाबा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा खाना निकल चुका है, हमारा मतलब जिदान का, क्योंकि वो आ चुका है स्कूल से। तो रो रहा था खाना जल्दी दो, तो उसके अब्बू बोले पहले नमाज उसके बाद। तो नमाज कम्प्लीट करके आ चुका है लड़का मेरा और गुस्सा है वो, उसका गुस्सा तो ऐसे चलते रहता है। और स्नो भी देखो नहा के किस तरह सोया हुआ है, आँख बंद करके सोना, आता अभी काला बिल्ला आया है ना तो जरा अच्छा लग रहा है। अभी इस पर कंघी करूँगी। म्याऊं
और यहाँ पे देखो सारे कपड़े मेरे धो के सूख रहे, क्योंकि 3 दिन के थे गाइस, तबीयत ठीक नहीं होती है तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। 3 दिन के कपड़े सूख रहे हैं और लगा शुक्र की बारिश नहीं है और मुझे जाना है अभी डॉक्टर के पास। तो ये पीछे पड़ा हुआ है, इसके लिए ये रो रहा है कि ये भी आएगा। देखें ये दवा खाना ही बोलते साथ में आएगा, पर ये इतना माशाल्लाह मोटा मोटा है ना, तो ये ना बाइक पे हम लोग तीनों नहीं आते, हम तीनों मोटे इसको बोलती मत आया कर, नहीं सुनता, मतलब जिद करता है मैं भी बाइक पे आऊँगा। अभी तेरे लिए कार ले लेनी पड़ेगी बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कर आ जाए। गाइस देखो जिदान उसके बाल सवारता है और वो है कि उससे लड़ रहा है, इतना मस्तीखोर हो गया ना, हाथ उठाने लगा है पता है, अभी हर किसी पे हाथ उठाता है, बदतमीज बच्चा हो गया। स्नो ए स्नो देख देख, जल्दी बना उसके बाल बना जल्दी से, बहुत बहुत मस्ती हुई इसके आंख में, उसके धूम को अच्छे से झाड़, धूम को भाग गया देख अपनी जगह पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी दाल की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे मेरी दाल देखो पका के बाद मिलती है। तो गाइस इसको अच्छे से मैंने मैश कर ली हूँ, अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, अब देख रहे हो, अब इसको अच्छे से मैश करना है, एकदम एक जान करना है, और रखूँगी मैं शकरीन का पानी बनाने। अब देख सकते हो किस तरह मैं उसको मैश कर रही हूँ, थोड़ा एग्जाम कर रही हूँ कि मैं गोले जब डालूँ ना तो एक भी गोला टूटे नहीं। देख सकते हो ये पकाने की मेरी रसगुल्ला बनाने की तैयारी एकदम चालू है, मस्त एकदम मेल्ट हो गया है। तो अब इसके बनेंगे गोले, तो अब गोले बनाते हो चाशनी बनाते हो मैं आपको दिखूँगी। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने चीनी डाल दी हूँ, पानी डाली हूँ ज़्यादा नहीं, 1 गिलास ही है, और यहाँ पे अब इसके पेड़े बनाने हैं, तो मिलती हूँ आपको पेड़े बनाने के बाद। तो गाइस देखो यहाँ पे उबाल आ चुका है, मैं हल्का सा इलायची पाउडर डाली हूँ, ज़्यादा नहीं हल्का सा ही डाली हूँ, और यहाँ पे मेरे बॉल पूरे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही दूध था 1 लीटर तो उसका इतना ही बना है, और यहाँ पे उबाल आ चुके हैं, तो ये छीना तो बहुत अच्छा हो गया। बिस्मिल्लाह बोल के सब डालती हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा स्लो करती हूँ गैस, फिर मैं फास्ट करूँगी, ढक के पकाऊँगी इसको, सारे बॉल्स ऐसी डाल दूँगी मैं इसमें। गाइस यहाँ पे पूरे बॉल चले गए हैं मेरे, 3, 3, 6, 8 ही, अब ये अच्छा जोश खा के बस टूटे नहीं, अल्लाह करे टूटे नहीं, इसको ढक के अच्छा बॉय आने तक 5 मिनट का पकाऊंगी, उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो किस तरह बन चुका है हमारा, और गर्मा गर्म इसको पहले ठंडा होने दो, फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद टेस्ट करेंगे और बताएँगे आपको रिवील ना। ओहो क्या मजा आएगी ना, ब्लॉगर भैया तो फूक मार रहा है, इधर फूक मार के ठंडा नहीं होना, अच्छी तेरा फूक हटा। तो गाइस देखो अपना डिश तैयार है, हम लोग अभी क्या बोलते हैं रिएक्शन करेंगे कंप्लीट। सानिया दी आई है अपनी जज बन के, रिएक्शन क्या है, सॉफ्ट है कि नहीं सानिया की उंगली, तो पत्थर के साथ वजन है, नहीं नहीं सॉफ्ट है, तो हवा है, लाओ टिश्यू पेपर दो, टिश्यू दे, बहुत अच्छा बना है टेस्टी, ऐसा दिल रखने को नहीं मेरे गाइस को झूठ नहीं बोलना। हाँ रसमलाई लग रहा है, रसगुल्ला नहीं लग रहा है, माँ कसम इतना हाथ मत कटवा दे मेरे, तू चाचा कटवा, इतना नहीं बनाए कि चाचा तक पहले बच्चे छोड़े एक टाइम भी उठा के रखना पड़ेगा। हाँ ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, क्या बोलते वो अपन एक ही मिलेगा, कितना भी तू बढ़ाई मार ले मेरी, मैं तेरे को एक ही दूंगी इसके लिए तो मैं चमचम नहीं खाती, वो कितना बड़ा आता है अच्छा बनाए मास्टर शेफ, इतनी तारीफ सानिया मैं आज नहीं बचूंगी, ए दीदी को पानी दे। तो गाइस दिख रहा है धोए हुए कपड़ों के साथ में किस तरह मस्ती चालू है इसकी, पागल साला। तो यहाँ पे जो रसगुल्ला बनाता ना एक नंबर, पन रसगुल्ला खाने का मजा ना कलकत्ता में आता है, क्या टेस्ट होता है ना, कहाँ पे भी जाओ दावत में कहीं पे भी किसी के भी घर पे तो वो रहेगा ही,
आपके सामने दस्तर पे वो रसगुल्ला रहेगा ही, बहुत अच्छा लगता है वहाँ का टेस्ट। वहाँ का तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्नेचर डिश होता है। इन्हाया है तो जरा साफ लग रहा है, खुशबू भी आ रही है, इसका परफ्यूम नहीं मारा तो इतनी खुशबू आ रही है, जा लेके जा। तो अभी ये भाजी वीजी बना लूँ तो देखिए घर में कुछ भी नहीं है, मार्केट भी जाना है, कैसे चिल्ला रहा है पागल कैसा। तो बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्जी, मुंबईया भाषा में आलू नहीं बटाटा बटाटे की भाजी बना रही हूँ। दाल चावल बन चुके, बटाटे की भाजी बना रही हूँ, ठीक है। अभी हो जाएगी मगरिब, देखिए चाय का टाइम, मगरिब की अजान हो जाएगी, अभी नमाज तो अभी पढ़ के उठे हैं, पढ़ाई करते बैठे थे। अब बनाती हूँ भाजी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ पे मेरे बटाटे की भाजी बनने की तैयारी शुरू है। कांदा, मिर्ची, कड़ी पत्ता, कोथमीर और ज़ीरा मैंने डाल चुकी हूँ यहाँ पे, साफ करके रखी हूँ। और नमक और हल्दी और नमक डालूंगी। यहाँ देखो पहले वो झाड़ू इसको मार मार के चला गया, अभी आया एक झाड़ने, उसको वो नहीं रुकने वाला, वो धड़पड़ रहा है नहाया है तो गंदा होने के लिए। तो गाइस देख लो यहाँ पे हल्दी और नमक चला गया है, और अच्छा थोड़ा तेल में सौते कर लूँ इसको, उसके बाद डालूंगी। उसे पानी आ रही है तेरे चक्कर में, उदे पूरा बटाटा मेरा नीचे गिर गया। अरे स्नो ने मारी ना, बहुत अच्छा करी देखो, कर उसको और प्यार कर और घुसा के ले अपने मुँह में, देखो पूरा हाथ से खून निकालिए। हाँ सब बता दी, सब अभी हाँ सब डॉक्टर भेजने वाले अभी तेरे लिए पागल सारा। अब देख सकते हो किचन से ना गिरा दिया था अभी, अब इसमें जाएगा पानी, पानी जाके होगा ये पानी में जरा। तो गाइस देखो उसको कब से गोल गोल घुमा रहा है, उसको तो कुछ नहीं होगा बेटा, देखो चक्कर आएगी जरूर। स्नो चक्कर आ गई, स्नो आ जा, आ पापा आ जा, ए ले खाना दे खाना। देखिए उसको कुछ भी नहीं होता है, देखो चक्कर आ रही वो। देखो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, मोइन भाई को चाहिए खाना, क्योंकि कॉलेज से जल्दी वो चले गए थे अपने जॉब पे, कॉलेज से डायरेक्ट जॉब पे, तो भाई का भूख लगी है, खाना दो चिल्ला है। हाँ, चम्मच में तेल था, मेरा ध्यान नहीं था, तो गैस गैस स्लो कर दूँ। तो गाइस भाई लोग बैठ चुके हैं दाल चावल अचार और पापड़ खाने, और बटाटे की भाजी अपनी नॉर्मली आप देख सकते हो। तो अचार में सिर्फ मसाले ढूंढ रहा है भाई साहब, कि भूख इसको बहुत ज़्यादा लगी है। भाग गए फातिमा भाग गई, स्नो भी चले गए इसके साथ में बाहर, और लोग सुबह की तैयारी में अभी बाल खोल रहे दोनों बहने हमारे यहाँ। नहीं नहीं बाल खोल के सोएंगे, चूड़े लाएंगे ना अभी लोग के आंग में, बाल बिल खोल के सो जाएंगे लोग ना। हाँ और वो छोटा गुड्डू लाल आके सुसु करके चला गया, और ये महाराज तो अब भी आए हैं। क्या हुआ है वो तुम्हारे चेहरे पे, ऐसा बुढ़ापा तो ऐसा छलक रहा है ना। हाँ मैं तो हाँ कॉलोनी नहीं चौल 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 में कोई लड़की आई है एकदम, पता ही नहीं चलता उनकी त्वचा से। अच्छा इधर इधर मेरे पे, हाँ मेरे आंखों में आंखें डाल के देख के मुझसे बात में नाती है, मैं फिलहाल साबुन से नहीं उसका पुल बनाती है उसमें नाती है, एकदम ताजी ताजी दिखती है ना हमेशा वो। बोला हाँ भाई वो पूछ रहा था, बोला हाँ तूने बिना उठ के देखा था ना, बोला मैं तो रोज देखता हूँ। वो सुन पड़ी वो जाने मेरे साबुन बोलिए वही वाला मैंने निर्मा नहीं था, तुम दोनों को मिक्स कर रहे अपने पर तो है, मिक्स ही रहता है ना। और मैं क्या बोल रही हूँ अभी सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, वो राहुल गांधी ने अभी चलता है पैदल, तुम वैसा वाला गेटअप क्यों मार के था, टी शर्ट ऐसा वैसे लग रहा राहुल गांधी के साथ। तीनों भाई का झगड़ा देखो, तीनों भाई का झगड़ा चल रहा, इनको भी इंसान बना, हमको भी इंसान बनाया, वो भी पैदल यात्रा पे, मैं भी पैदल यात्रा पे फिलहाल। ये बात तो सही बोले, बंद हो गया अभी आप टूथपिक चबा रहे। We'll be right back.